अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। यार आज मेरे पास एक पिस्टल आया है, गोरिल्ला 7 शॉट कैल 34 मेड इन चाइना। तो इसमें मैंने बुलेट लोड की और जैसे स्लाइडर को खींचा तो बुलेट स्टक कर गई और उसके बाद से इसका यही हाल है। देखें, मैं ट्रिगर दबाता हूँ लेकिन हैम्बर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ये वीडियो आपके काम आ सके। सबसे पहले हम पेचकस की मदद से पिस्टल को खोल लेंगे। आप इस वीडियो में पिस्टल को खोलने का तरीका भी देख लें। हर चीज़ पुर्जा पुर्जा कर देंगे। इस वीडियो में हम दो मसले हल करेंगे, एक तो बुलेट स्टक होती है वो वाला, और दूसरा वो जो ट्रिगर काम नहीं कर रहा था। तो दोनों हल करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ट्रिगर को निकाल दिया, ये वो पतरी है जिसकी वजह से ट्रिगर काम नहीं कर रहा था, ये और ये वहाँ पे वो लॉक होता है जिसकी वजह से बुलेट स्टक कर रही थी, फंस रही थी। तो हम इसे भी सही कर लेंगे। इसमें जंगाल लगा हुआ है, इसे थोड़ा सा साफ़ करेंगे और फिर लगा देंगे। मशीनी तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी पिस्टल को असेंबल करने लगें तब लाजमी मशीनी तेल का इस्तेमाल करें ताकि पिस्टल को रस्ट ना लगे। इसको साफ मैंने कर लिया था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। अब इसे फिट कर देंगे। ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पे लग चुका है। हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बुलेट स्टक होने वाली। अब ये पिस्टल बुलेट स्टक नहीं करेगा। अब ये पतरी, इसको एडजस्ट करते हैं। उस वक्त ये अपनी जगह से हिल चुकी थी, लेकिन अभी इसे ट्रिगर के साथ बिल्कुल जोड़ के लगाएंगे, क्योंकि ट्रिगर इसके बगैर वर्क नहीं कर सकता। आप उसे जितनी दफ़ा मर्जी दबा लें। ट्रिगर लग चुका है, इसके साथ हैम्बर को जोड़ दें। बैरल में बैरल डाल देंगे स्लाइडर में। आप यहाँ पर भी मशीनी तेल लगा दें, जहाँ जहाँ पर भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पिस्टल के लिए ऐसे समझें लंबी ज़िंदगी का काम करता है, वरना पिस्टल को रस्ट लग जाती है, जंगाल, उसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। स्प्रिंग को मैंने लगा दिया उसकी जगह पे। ये यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक था वो सही नहीं था, उसे अटका रहा था। अब उसे सीधा करके लगा देंगे। देखें, बहुत ही आसानी के साथ स्लाइडर आ गया अपनी जगह पे, और यहाँ पर हम पिस्टल लॉक डाल देंगे। इसी के ऊपर पूरा पिस्टल टिका हुआ होता है। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है मैं वहाँ वहाँ पर मशीनी तेल लगा रहा हूँ। चेक करें, पिस्टल तैयार हो गया। अब इसकी मुकम्मल फिटिंग कर लेते हैं। दूसरे की बारी। दोस्तों, द गन लवर आपके लिए वीडियोस लेके आता रहेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, पिस्टल्स प्रॉब्लम्स के लिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और वीडियो को अपने दोस्तों में दबा कर शेयर करें। देखें बुलेट ने बिल्कुल भी स्ट्रक नहीं किया, लोड और अनलोड इजीली तरीके से हो गई है। देखें अब हम इसका टेस्ट फायर करने लगे हैं, चेक करें जो पिस्टल बुलेट स्ट्रक करता है।